subscribe. Hi. Speed, speed. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जसवंत, आप देख रहे हैं हाई स्पीड। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, आने वाली वीडियो देखने के लिए घंटे के निशान को जरूर दबाएं। दोस्तों ये जानकारी है ना हर बंदे के लिए, हर महिला के लिए, ये जानकारी जितने भी ज्यादा लोगों के पास पहुँचनी चाहिए ना दोस्तों उतनी ही कम है दोस्तों, क्योंकि ये जानकारी आज हर घर में पता होनी चाहिए लेकिन नहीं है। दोस्तों शायद आपको पता होगा कि जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र कितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, और दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि ये दोनों डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए हमें तहसील के पंचायत समिति के इसका आधार कार्ड लो, उसका आधार कार्ड लो, तो मतलब बहुत सारा झंझट करना पड़ता है, बहुत सारे पैसे भी खर्च होते हैं, और मेन बात है कि हमारा बहुत ही ज़्यादा टाइम खराब होता है इन डॉक्यूमेंट बनाने में। लेकिन दोस्तों हम गलती करते हैं, हमें पता नहीं होता, पूरी जानकारी नहीं होती, इसीलिए हमारा पैसा और समय दोनों खर्च होता है। पर दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपका ना ही तो पैसा खर्च होगा ना ही समय खर्च होगा। दोस्तों इसमें रूल ये है कि अगर आप 21 दिन के अंदर अंदर अगर आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो उसका पंजीकरण करवा देते हैं। आप पंजीकरण ऑनलाइन खुद कर सकते हैं, मोबाइल के जरिए नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने मोबाइल में यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मोबाइल में ऑप्शन नहीं आ रहे, लेकिन अगर आपके पड़ोस में या आपके घर में कंप्यूटर है तो अपने मोबाइल का डाटा केबल से जोड़ के और उसमें थोड़ी सी नेट चला के 10 मिनट के लिए और एक फॉर्म भरना है। वो कैसे भरना है वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, आप वहाँ से बना सकते हैं, या फिर आपकी ग्राम पंचायत में जो स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं उन स्वास्थ्य केंद्र पर जाके आपको एक छोटा सा फॉर्म भरना है। 5 मिनट लगते हैं फॉर्म भरने, नाम पता एड्रेस वगैरह ही बनाए, कुछ ज्यादा नहीं बनाए, वो आप वहाँ पे भर के और अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा ये रजिस्ट्रेशन जन्म प्रमाण पत्र के लिए ही होता है, जहाँ आपको सरकार द्वारा एक जन्म प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। और दोस्तों ऐसे ही अगर आपके घर में, सॉरी मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन अगर आपके किसी बुजुर्ग की डेथ हो जाती है, दोस्तों जन्म और मृत्यु ये तो एक प्रकृति का नियम है, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में कुछ हो जाता है तो आपको क्या करना है कि 21 दिन के भीतर आप को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देना है। ऐसे ही यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप कंप्यूटर के ऊपर कर सकते हैं या फिर आप ई मित्र के द्वारा कर सकते हैं, जहाँ आपको सिर्फ 21 दिन के भीतर अगर आप ई मित्र पे जाते हो तो आपको अपना एक आधार कार्ड और कुछ नहीं ले जाना है और एक मोबाइल ले जाना है, बस दो ही चीज़ ले जानी है। दोनों से आप 21 दिन के भीतर सिर्फ अपने गाँव में अगर ई मित्र है तो वहाँ जाके आपको कुछ करना ही नहीं, सिर्फ यहाँ पर बिल्कुल फ्री होता है दोस्तों, वो ज़्यादा से ज़्यादा करके आपसे 20 या 30 रुपये फॉर्म भरने के ले सकता है, तो आपको ये रजिस्ट्रेशन करना है। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपने कंप्यूटर पे ये सब कैसे करते। हो सकता है दोस्तों कुछ दिनों बाद यहाँ पे अपडेट हो के यहाँ पे मोबाइल में भी ये ऑप्शन आ जाए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों मोबाइल के अंदर एक आमजन का प्रपत्र आता है, यहाँ पे आमजन प्रपत्र, वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है लेकिन वो कंप्यूटर में शो कर जाता है, शायद ये विंडो के लिए ही बनाया गया सॉफ्टवेयर है ऑनलाइन, तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है इसलिए मैं आपको ये स्क्रीनशॉट दिया। वहाँ पे हो सकता है कि शायद यहाँ पे अपडेट होने की बात कर जाए, तो चलिए हम चलते हैं कंप्यूटर पे। दोस्तों आप किसी भी कंप्यूटर पे जाके और यहाँ पे आपको इंटरनेट कनेक्ट करके गूगल खोल लेना है, गूगल पे टाइप करना है पहचान, PEHCHAN पहचान। जैसे आप पहचान सर्च करते हो तो यहाँ पे नीचे आ जाता है pehchan.raj.nice.in, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही दोस्तों इस तरीके का पेज आता है, आपको जिस भी पेज पे ले जाए आपको क्या करना है वहाँ पे होम पेज पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप होम पेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये होम पेज ओपन हो जाएगा, और इस पर क्या होता है यहाँ पे आने के बाद में क्या होता है कि नीचे हमें नीचे स्क्रॉल करना है, तो हम जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, और यहाँ पे ये दो ऑप्शन जो मोबाइल में ऑन नहीं होते, एक तो आमजन प्रपत्र और दूसरा ई मित्र पंजीकरण, तो ये हमें दो ऑप्शन यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर पे दिखा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें करना है आमजन प्रपत्र पर, तो यहाँ पे दोस्तों आमजन प्रपत्र पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस तरीके का एक पेज ओपन होता है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन चूज करना होगा कि आप जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं या मृत्यु प्रमाण पत्र या विवाह प्रमाण पत्र, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ जन्म प्रमाण पत्र पे। तो यहाँ पे जैसे जन्म प्रमाण पत्र पर क्लिक करके हम ओके करेंगे तो ये हमें एक पेज पर ले जाएगा जहाँ हमें साइट वेरीफिकेशन करनी होती है, ये कोड डालने होते हैं कैप्चा कोड, ये कोड डालने के बाद जब ओके करते हैं तो हमें ले जाता है ये एक फॉर्म पे, ये एक नंबर फॉर्म है जो जन्म प्रमाण पत्र के लिए है। दोस्तों इस फॉर्म को हमें पूरा भरना है, और यहाँ पे मैं कुछ आपको बता दूँ, यहाँ पे दोस्तों इस फॉर्म को भरने के लिए आपको दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में भरना है। अगर आपके कंप्यूटर में हिंदी नहीं है तो आप गूगल पर सर्च कीजिए हिंदी टूल किट और उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में काम करती है, तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए हिंदी टूल किट यूज़ कर लीजिए और इस फॉर्म को पूरा फिल कीजिए। दोस्तों ऊपर अगर बच्चे का नाम नहीं है तो आप खाली छोड़ दीजिए, बच्चे का नाम है तो नाम भर दीजिए। सबसे पहले ऊपर यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बच्चे की जन्म तारीख, बच्चे का नाम, फॉर्म तो आप भर ही लोगे, सिंपल सा फॉर्म है, नाम एड्रेस। पर दोस्तों कहीं मिस्टेक मत कर देना, यहाँ पे क्या है कि
आप बच्चे के पिता का नाम और आधार कार्ड नंबर, बच्चे की माता का नाम, आधार कार्ड नंबर, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होती है दोस्तों। यहाँ पे क्या करना है आपको कि जहाँ पे आप अपने बच्चे के पिता का नाम डालते हो तो वो वही नाम डालिए जो आपके बच्चे के पिता के आधार कार्ड के अंदर है। और दोस्तों अपने बच्चे के पिता का आधार कार्ड भी अनिवार्य है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अपने बच्चे के पिता का आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए और वही नाम डालिए जो आधार कार्ड में है। इंग्लिश में भी वही डालिए, हिंदी में भी वही डालिए, वही माता का नाम है, वही जो उनके आधार कार्ड में है वही नाम डाल दीजिए, वही आधार नंबर डाल दीजिए। और दोस्तों जैसे ही आप आधार नंबर और नाम डालते हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये ले लेता है कि ये सही है या गलत। उसके बाद में एड्रेस पता डाल दीजिए और नीचे यहाँ पर जो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेड स्टार दिखा रहा है, जिस कॉलम में रेड स्टार दिखा रहा है उससे भरना बहुत ही अनिवार्य है, वरना ये फॉर्म फिल नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप पूरा कंप्लीट कर दीजिए और अपने हिसाब से जो भी है यहाँ पे अपना नाम पता जिला जो भी चूज करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, फॉर्म बिल्कुल हिंदी में है, आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे। पूरा फॉर्म भरने के बाद में चीज़ समझ में ना आए ना और वहाँ पे रेड स्टार ना हो तो उसे आप वैसा का वैसा छोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक चीज़ और है इसमें, यहाँ पे एक तो संस्थान और गैर संस्थान, तो मतलब जब बच्चा घर पर पैदा होता है तो वो गैर संस्थान में आता है। संस्थान मतलब कोई ऐसी संस्था जैसे कोई हॉस्पिटल वगैरह या कोई संस्था जहाँ पैदा हो, तो आप यहाँ पर गैर संस्थान पर करके और जहाँ बच्चा जन्मा है उसका स्थान दे दीजिए। जैसे आपके गाँव का नाम दे दीजिए, शहर में है तो अपने वार्ड नंबर का नाम दे दीजिए, वैसे ही होता है दोस्तों। तो दोस्तों एक बार आप इस वेबसाइट पे जाके शहरी और ग्रामीण के लिए दोनों के लिए जो सूचना दी है उसे भी ज़रूर पढ़ लें ताकि आपको कुछ और आसानी हो सके। तो दोस्तों फॉर्म भरना बहुत ही आसान है, नाम पता एड्रेस और ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, और आवेदक का नाम डालना है और आपके मोबाइल नंबर डालने हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे बता दूँ, पूरा फॉर्म जब भर जाता है तो आपको नीचे कैप्चा डाल के और यहाँ पर जो इंद्राज लिखा हुआ है ये फॉर्म इंद्राज करें, जब आप इस इंद्राज पर क्लिक करोगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन संख्या दिखाएगा। वो रजिस्ट्रेशन संख्या आपको पूरी की पूरी नोट कर लेनी है दोस्तों। वो रजिस्ट्रेशन संख्या जब आप इसे प्रिंट करोगे तब आपके काम आएगी। तो रजिस्ट्रेशन संख्या प्रिंट कर लिख लेना बहुत ही अनिवार्य है। वैसे आपके मोबाइल पे भी एसएमएस आ जाता है इसका, अगर कल को मोबाइल नंबर गलत डल जाए और एसएमएस ना आए तो आपके ये बहुत ही काम की चीज़ है। और वैसे मोबाइल नंबर आपको जानकारी है ना, बिल्कुल देख देख के बिल्कुल सही भरनी है। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस अपने नाम पता एड्रेस वगैरह भर के और इंद्राज करके और जो रजिस्ट्रेशन संख्या है वो आप नोट कर लीजिए। उसके बाद में इसे क्या करता है कि ये जाता है ग्राम सेवक के पास, जो हमारी ग्राम पंचायत होती है उसका जो ग्राम सेवक होता है उसके पास जाता है। वहाँ से दोस्तों ये वेरीफाई होके आता है और हमें वेरीफाई होने के बाद में हमारे मोबाइल के अंदर एक एसएमएस आ जाता है कि भाई आपका जो आवेदन पत्र है वो वेरीफाई हो चुका है, आप उसे प्रिंट कर लीजिए। आप इसे फ्री के अंदर प्रिंट हो, दोस्तों ई मित्र के अंदर क्या होता है कि टोकन कटते हैं और यहाँ पे फ्री होता है, तो ज़्यादातर ई मित्र वाले भी इसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आप इस तरीके से इस फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं 21 दिन के अंदर अंदर। दोस्तों 21 दिन के अंदर अंदर अगर आप जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो दोस्तों आपको तहसील, पंचायत समिति या फिर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स से आप बच सकते हो, बहुत सारा समय बचा सकते हो और बहुत सारा पैसा बचा सकते हो। और दोस्तों मेन बात, अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हो ना तो अपने अड़ोस पड़ोस आसपास अपने रिश्तेदारों की हेल्प भी कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पैसा देते हैं लेकिन लोगों का टाइम वेस्ट होता है और लोगों को चक्कर काटते पड़ते हैं, लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं है। दोस्तों मैं ये बता दूं कि अगर आप अपने गाँव में भी पूछ लो कि इस चीज़ के बारे में कितने लोग जानते होंगे, अगर 1000 में से आपको एक बंदा हाँ कह दे तो कह दे, वरना लोग नहीं जानते, क्योंकि ऐसी जानकारी लोगों के पास नहीं है। सरकार स्कीम बना देती है, योजना बना देती है, लेकिन लोगों तक उसकी सही जानकारी नहीं पहुंचाती तो लोग उसका फ़ायदा नहीं ले पाते। तो दोस्तों मैं तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करोगे, अगर करोगे तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा है तो, नहीं करोगे तो वो आगे आपकी मर्ज़ी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।